बेशक ही आप सभी लोग चाहते होंगे कि झनक अपनी जिंदगी का ये जो सफर है ना वो आराम से तय कर ले और उसे सब कुछ मिल जाए जो वो डिजर्व करती है झनक का सपना पूरा हो जाए झनक एक बहुत बड़ी स्टार बन जाए और बहुत बड़ी डांसर बन जाए आप लोग भी चाहते हैं मैं भी चाहता हूँ यानी आप और मैं दोनों मिलकर सबसे ज्यादा झनक को प्यार करते हैं ये बात सही है नहीं ये बात सही नहीं है बल्कि इस पूरी दुनिया में यदि कोई झनक सबसे ज़्यादा प्यार करता है तो वो है अर्शी सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन आपको ये बात पता है कि अर्शी झनक का नाम लिए बिना सोती नहीं है अर्शी झनक का नाम लिए बिना सांस नहीं लेती है जब तक झनक के बारे में जिक्र ना हो अर्शी को यह पता नहीं चलता है कि वो जिंदा है भी या नहीं क्योंकि तभी तो देखिए अर्शी और झनक का हो चुका है आमना सामना वो भी मुंबई के महामुकाबले में जी हाँ दोस्तों सेमीफाइनल का राउंड आ चुका है डांस रियलिटी शो का जहां पर झनक ने पहले राउंड को ऑडिशन देकर उसे क्लियर करके यहां तक इतना बड़ा सफ़र तय करके आई है लेकिन अर्शी जी अर्शी तो ठहरी महारानी एक बड़े घर की लड़की जो है और बहुत बड़ी कोरियोग्राफर भी है एक बहुत बड़ी कलाकार है जी आ, हम कलाकार के सम्मान करते हैं लेकिन झनक के सामने सेमीफाइनल राउंड में पहुंच चुकी है जहां पर इनके बीच जो टक्कर ना बहुत काटे की होने वाली और झनक कैसे झनक अर्शी को पटकनी देने वाली है यह सब कुछ जानेंगे दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में लेकिन उससे पहले यदि आप

हाँ, अपनी आवाज उठाना और अपनी आवाज को पूरी तरीके से बताना कहलाना ये दोनों में बहुत फर्क है अनिरुद्ध भाई साहब और अनिरुद्ध आप ये नहीं करते अनिरुद्ध को पता है कि उसे पूरी बात बोलनी चाहिए लेकिन वो सभी लोगों के सामने नर्वस होकर ये बात बोलता ही नहीं है अरे अनिरुद्ध सभी को बताओ ना भाई कि जो अर्शी की हालत हुई है उसकी मां सृष्टि की वजह से हुई है लेकिन सभी लोग तो झनक को ही आरोपी मान रहे झनक को ही धूष ठहरा रहे ऐसे में यही सिलसिला चलता रहा तो शायद ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल में जो फीलिंग्स है ना झनक के लिए वो भी खत्म

इन सभी को डीमोटिवेट होना पड़ेगा झनक के फेस को देखकर क्योंकि दोस्तों ये मैं नहीं कहता हूं कि झनक को देखकर कोई डीमेटेड होगा लेकिन ये पूरा परिवार ना झनक को देखकर यही सोचता है कि अरे भाई किसको देख लिया भाई काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया हमारा और झनक को तो ये लोग काली बिल्ली मानते अशुभ तो मानते ही भाई उसके ऊपर दोस्त तो आते रहते हमेशा उसी के बारे में यही तो बोलते रहते हैं ऐसे में ये नहीं तो मैं नहीं कहता कि भाई झनक किसी के लिए अशुभ है अरे झनक वो लक्ष्मी है जो जिस घर में पैर रख दे तो वो घर में समृद्धि सुख शांति आ जाए लेकिन ये बात इनको कहाँ पता चलेगी इसीलिए अब अर्शी को करने के लिए सारा परिवार आ तो चुका है अनुरुद के माता पिता हैं अर्शी के माता पिता सभी लोग लेकिन सभी को जब पता चलता है कि तो अर्शी सभी के सामने झनक को बेइज्जत करने के लिए मौका ढूंढती रहती है उसे खरी कोटी सुनाने का मौका ढूंढती रहती है लेकिन झनक इस बार किसी के सामने रुक कर झुक कर डर कर अपने लिए कुछ सुनने वालों में से नहीं है भाई आप झनक बदल चुकी है ना अरशी तुम ये बात समझ जाओ कि झनक अब बदल चुकी है अब तुम्हारा कोई भी बात नहीं सुनेगी कोई तारा नहीं सुनेगी तुम कुछ भी बोलोगे नहीं सुनेगी अब अरशी तुम्हारा मुंह बंद रखना ही तुम्हारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा होगा यही झनक समझाना चाह रही है लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी रिपोर्ट यह भी आने वाली है कि सेमीफाइनल के राउंड में ना अरशी एक कदम आगे रहेगी झनक से क्योंकि कहीं ना कहीं अर्शी कलाकार है कलाकार का तोहिन तो नहीं कर सकते क्योंकि उसने भी मेहनत किए और अर्शी ने तो कम किया भाई अर्शी के अभी पैर ठीक नहीं है वो चल नहीं पा रही है वो सीधे खड़े नहीं हो पा रही है लड़खड़ा रही है लेकिन अनुरुद्ध सहारा दे रहा अनुररुद्ध सिखा रहा है लेकिन सेमीफाइनल के राउंड में एक बार फिर से अर्शी ने सभी को दिखा दिया कि भाई उठ कर हिम्मत करने वालों की ना कभी हार नहीं होती है इसीलिए लिए यहाँ पर अर्शी आती तो है लेकिन अर्शी शायद अपनी हिम्मत की वजह से अपना नाम तो बना ले लेकिन अपने एटीट्यूड की वजह से वो अपना नाम खराब करेगी और वो होगा झनक का एक सिलसिला क्योंकि झनक के साथ बदतमीजी करके अर्शी अपना नाम खराब कर लेगी हालांकि अर्शी के पास टैलेंट बखूबी है उसके पास कूट कूट का टैलेंट भरा हुआ है बहुत अच्छे कोरियोग्राफर है उसके पास टैलेंट है उसे कदर है उसे सब कुछ पता है लेकिन उसके पास एक चीज असली की नहीं है जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है वो है तमीज तमीज तो अर्शी के पास बिल्कुल नहीं है और वो भी खासकर झनक के लिए झनक को देखते ही साथ अर्षी के तेवर बदल जाते हैं अरे झनक को देखते साथ ना अर्षी के जो मुंह से फूल निकल रहे होते हैं वो कांटों में तब्दील हो जाते भाई तीर चलने लगते हैं अर्शी के मुंह से और सभी के सामने अर्शी तो झनक को कुछ भी सुनाने का मौका नहीं छोड़ती है इसलिए ये सब कुछ अब टीवी में आ रहा है कहीं ना कहीं चारों तरफ कैमरे लगे होंगे और अर्शी को ये नहीं पता होगा कि, कि वो जो झनक को बोल रही है ना वो पूरी दुनिया सुनने वाली है और अर्शी बदनाम भी हो जाएगी और शायद तभी सबको पता चलेगा कि कैसे झनक के ऊपर ये अर्शी ने और घर वालों ने भी इतना बड़ा आरोप लगाया और तब होगी झनक की सबसे बड़ी धमाकेदार जीत और इसी जीत के साथ झनक अर्शी को उसकी अकल टिकाने लगाएगी अर्शी को उसकी जगह दिखाएगी और इन सब में सवाल उठता है कि भाई अनुरु तुम किसके साथ हो इन सब में सवाल उठता है कि भाई अनिरुद्ध तुम किसका सपोर्ट कर रहे हो अरे इन सभी हालातों के बीच में ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अनिरुद्ध तुम किसके साइड खड़े हो रहे हो भाई किसको जिताने की कोशिश करो किसके लिए तुम्हारे दिल में फीलिंग्स है ये सब कुछ ये बहुत बड़ा डिपेंडिंग मैटर होने वाला है जिसके बारे में शायद आने वाला एपिसोड ही एक्सपोज कर सके लेकिन इसके पहले अनिरुद्ध ने खुद को थोड़ा बहुत एक्सपोज किया है एक डरपोक आशिक के तहत एक डरे हुए एक बेटे के तहत एक ऐसा बेटा जो मजबूर है अपने परिवार के रेपुटेशन के चलते हुए उनके आदर सम्मान के चलते हुए अपने प्यार की कुर्बानी लगाकर बैठा है अपने दिल के फीलिंग्स को दबाकर बैठा है ऐसा अनिरुद्ध तो अभी एक्सपोज हो चुका है लेकिन कैसे ये इस एक्सपोज कैसे अपने इस बदले हुए ठंडे से से तेवर तेवर को को जो जोशीले में बदलेगा और कैसे अनिरुद्ध किए गए अपने प्यार को सभी के के सामने सामने दुनिया करेगा ये देखना बड़ा दिलचस्प और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मेकर्स इस एपिसोड को एक ग्रैंड एपिसोड बनाने वाले जैसे अनिरुद्ध सारे स्टेज के सामने सभी लोगों के सामने शायद जनक के लिए अपने दिल की बात रख दे शायद ये लम्हा और भी ज्यादा अच्छा हो कहीं ना कहीं हमारे पास तो तो ये ऐसा सूत्र कुछ पहुंचा नहीं है लेकिन हमारी ख्वाहिश जरूर है कि अनिरुद्ध ना झनक को सभी का सामने दुनिया के सामने के सामने सभी के सामने ना झनक को प्रपोज करे और झनक अनिरुद्ध से भी अपने प्यार का प्रपोज करे इजहार करे तो दोस्तों ऐसा हो सकता है शायद मेकर्स चाहे तो आप और हम मिलकर चाहें तो और यदि चाहना है तो आपको दिखाना होगा वीडियो पर प्यार यदि आप झनक के इस सफर को और बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो वीडियो को करें लाइक और झनक फैन है और झनक से जुड़ी कोई भी सुझाव है इस शो को लेकर इस वीडियो को लेकर तो कमेंट के जरिए अपना सुझाव भी जरूर बताइएगा और हाँ दोस्तों कहीं कही ना कहीं मैं आपसे भी भी कहना चाहता हूं कि जल्द ही वो दिन भी आने वाला है जब झनक अर्षि के सामने ही गुरुजी के हाथों से ट्रॉफी भी उठाने वाली है विनर की तो इसे देखने के लिए आप कितने जरूर थी दोस्तों आज की झनक की खास रिपोर्ट मिलता हूं मैं आपके साथ अगले रिपोर्ट में तब तक अपना ख्याल रखेगा बाय बाय टेक केयर